नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा अगर आप बोगे बबूल का पैर तो आम का फल कहाँ से खाओगे। यानी कि कर्म अच्छे करो, कर्म अगर बुरा करोगे तो चाहे आप किसी गुफा में बैठ जाओ फिर भी आपको उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। और सेम टू सेम काम पाकिस्तान के साथ हो चुका है। जो पाकिस्तान कल तक सीना थोक के बोला था अरे भाई तालिबान तो मेरा है, अरे भाई अफगानिस्तान मेरा राज होगा, अरे भाई हम तो भारत को अब आंख दिखाएंगे, अब तो कश्मीर में आतंकवादी हो जाएंगे, आखिरकार वो तमाम दाव उल्टा हो चुका है। और बड़ी बात तो यह दोस्तों, भारत ने एक ऐसा षड्यंत्र रचा है, एक ही षड्यंत्र से पाकिस्तान चारों खाने चित हो गया है। दोस्तों पाकिस्तान को इतना बड़ा झटका अब तक कोने दिया था, अमेरिका भी खासतौर पर अफगानिस्तान में एंट्री किया था लेकिन पाकिस्तान को झुका नहीं पाया था, लेकिन भारत ने केवल एक हफ्ता में वो बड़ा दाव चल दिया और उस दाव में पाकिस्तान फंस के आज छरपटा के मर रहा है। दोस्तों तालिबान अफगान सरकार सब एक हो जाएगा और दोनों मिलकर पाकिस्तान पर हमला कर देगा, यही दाव भारत का था और वो कामयाब हो गया है। बड़ी बात तो यह है, दुनिया हैरान हो गया है, अमेरिका से लेकर यूरोप तक सब एक ही बात चल रहा है। आखिरकार जिस काम को करने में नेटो असफल रहा, अमेरिका रसिया चीन सब असफल रहा, उसे भारत ने कर दिखाया, एक ही झटके में तालिबान को पाकिस्तान से दूर भी कर दिया और अब अफगानिस्तान सरकार और तालिबान मिलकर पाकिस्तान को धुआं धूर करेगा, नक्शे से मिटा देगा। और दोस्तों तालिबान और अफगान सरकार बोल रहा है कि अब तो हम ग्रेटर अफगानिस्तान बना के छोड़ेंगे। दोस्तों बहुत कुछ हुआ है, आप लोग पूरा वीडियो देखिए। और पाकिस्तान को जिस प्रकार से गर्दन दबाया गया है, आज इमरान खान जनरल बाजवा सदमे में चला गया है, तो आप लोग पूरा खबर देखिए दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। दोस्तों आप जानते हैं पिछले कुछ दिनों से तालिबान के नेता और अफगान के सरकार के बीच में एक मीटिंग चल रहा था, वो भी दोहा कतर में। दोस्तों दोहा कतर में कई सारे देश एक साथ होके तालिबान और अफगान सरकार को समझा रहा था कि दोनों शांत हो जाए, ये हमला रोक दे। और दोस्तों ये जो समझौता हो रहा है ना, खासतौर पर ये जो मीटिंग हो रहा था उसके पीछे भारत का पूरा सहयोग था। भारत चाह रहा था कि तालिबान और अफगान बैठ के बातचीत करें ताकि दोनों किसी नतीजे पे पहुंचे। दोस्तों भारत का ये जो सपना था ना वो पूरा हो चुका है। और यहाँ पे तालिबान ने एक और बड़ा बयान दिया है, अब बोलेंगे आखिरकार इस मीटिंग में क्या हुआ है, हमेशा ये मीटिंग होते आया है, ये कोई बड़ी बात तो नहीं है, हम 5 साल सुन रहे हैं कि दोहा में मीटिंग हो रहा है तालिबान के बीच में, कभी अमेरिका के बीच में, कभी कोई और तो कभी कोई और, इस मीटिंग से क्या होने वाला है। दोस्तों इस मीटिंग से पाकिस्तान का भविष्य तय हो चुका है, आप लोग जानते हैं। दोस्तों दरअसल अफगानिस्तान सरकार यानी कि अशरफ गनी ने खासतौर पर तालिबान को एक ऑफर दिया, ऑफर यह है कि आप लोग अफगानिस्तान फौज पे हमला करना बंद कर दो, बदले में हम आप पे हमला नहीं करेंगे और जिस एरिया पे आप कब्जा किए हो उसे धीरे धीरे छोड़ दो। अब बोलेंगे भाई तो आखिरकार तालिबान ये बात क्यों मानेगा, अफगान सरकार का ये फैसला क्यों मानेगा, क्या तालिबान पागल है क्या, क्या बेवकूफ है क्या। दोस्तों यही तो हुआ ना मजेदार बात, दरअसल अफगानिस्तान सरकार ने तालिबान को पूरी तरह से ब्रेन वॉश किया है, कन्विंस किया है, बोला है कि देखो भाई अगर तुम अपने देश में लड़ोगे तो क्या होगा, तुम्हें लड़ना ही है तो पाकिस्तान से लड़ो, पाकिस्तान हमारा आधा ज़मीन पे कब्जा किया हुआ है। यानी कि पाकिस्तान आज बहुत सारे हिस्से पे कब्जा कर चुका है, हम लोग ग्रेटर अफगानिस्तान बनाते हैं और पाकिस्तान से ग्रेटर अफगानिस्तान छीनने का एक मौका, यानी कि आधा पाकिस्तान को छीन लिया जाएगा और भविष्य में हम लोग बड़ा अफगानिस्तान बना देंगे। और दोस्तों अफगान सरकार ने तालिबान को ऑफर दिया है कि अगर पाकिस्तान से वो ज़मीन छीनेगा तो हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम जहां तक हो सके तालिबान का साथ ही देंगे, पाकिस्तान से ज़मीन छीनोगे तो हम कुछ नहीं बोलेंगे, हमारा आर्मी भी तालिबान का साथ देगा और हम लोग मिल के पाकिस्तान से अपना हिस्सा छीन लेंगे और तालिबान का जो सपना है वो पूरा भी हो जाएगा, ज़मीन भी ले लेगा। और भविष्य में अगर तालिबान चाहता ही है कि पूरे अफगान पर कब्जा करे, राज करे, तो कब्जा क्यों, आराम से आप मिलिए बैठिए और समझौता कीजिए, आप एक काम कीजिए आप हल्ला छोड़ दीजिए। दोस्तों साफ तौर पे अफगानिस्तान सरकार ने तालिबान को बोला कि आप हिंसा छोड़ दीजिए और आराम से लोकतंत्र व्यवस्था से आइए, मैं आपको बहुत सारे पद दे दूंगा, यानी कि बहुत बड़े बड़े मंत्रिमंडल में आपको जगह दे दूंगा और समय आते ही अगर आपको लगे कि हम उस देश का राष्ट्रपति बन सकते हैं तो चुनाव लड़िए, चुनाव में जीत जाइए और राष्ट्रपति बन जाइए, झगड़ा का कोई बात ही नहीं। दोस्तों अफगानिस्तान सरकार ने साफ तौर पर कहा कि हम चाहे तो अभी तालिबान को खदेड़ सकते हैं, मार सकते हैं, हम चाहे तो अभी कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हम बिल्कुल नहीं करेंगे, हम समझौता करेंगे शांति का, क्योंकि हमें पता है अगर यहाँ से हम लोगों के बीच में हमेशा
लड़ाई चलता रहेगा तालिबान और अफगान सरकार के बीच में, तो उसका नतीजा कौन भुगतेगा? वहाँ की जनता भुगतेगा। जिस प्रकार से आज सीरिया की जनता, इराक की जनता, खासतौर पर मिडिल ईस्ट में कई सारे देश जैसे लेबनान हो गया, यमन हो गया, कई सारे देश में दोस्तों आज जनता वहाँ के दुख भोग रहा है, सब देश छोड़ छोड़ के भाग रहा है, वहाँ पे लोगों का दोस्तों जीना हराम हो चुका है। अफगान सरकार यही बोल रहा है कि हम चाहते हैं कि लोगों का जीना हराम ना हो, इसीलिए हम समझौता चाहते हैं। अगर हम भी खासतौर पर सीरिया जैसा बनते, तनाशा बन जाते तो क्या होगा, यहाँ पे लोगों का जीना हराम हो जाएगा, लोग मरेगा, इसलिए हम चाहते हैं समझौता हो जाए और बहुत जल्द तालिबान और अफगान मिल के एक साथ होकर पाकिस्तान पर धावा बोल दें, क्योंकि पाकिस्तान हमारे लिए दुश्मन है। हमारे देश में पाकिस्तानी इतना हल्ला फंसाता है, इतना झगड़ा फंसाता है। और बड़ी बात तो यह है दोस्तों, यहाँ पे अफगान सरकार ने नहीं बोला कि भारत तो मेरा भाई जैसा है ही, भारत का हम तमाम बातों को सुनेंगे। भारत ने हमारे देश में बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट लगाया, भारत ने हमारे लिए बहुत कुछ किया। लेकिन दूसरी ओर तालिबान वालों ने एक ऐसा बयान दिया ना, पाकिस्तान चारों खाने चित हो जाएगा। दरअसल जैसे ही मीटिंग खत्म हुआ उसके तुरंत बाद तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने फिर से एक बड़ा बयान दे के सबको चकाया। उन्होंने कहा कि मैं फिर से बोल रहा हूँ, भारत से हमें कोई पंगा नहीं है, भारत मेरा मित्र है, हम आने वाले समय में केवल इस्लामी व्यवस्था चाहते हैं, केवल हम चाहते हैं अफगानिस्तान के आसपास, खासतौर पर पाकिस्तान के इलाकों में आसपास में इस्लामी व्यवस्था हो। हम भारत क्यों जाएंगे, हमें क्या कुत्ता काटा है क्या, हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। उन्होंने पहले बोला कि लश्कर, जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठन हमें कोई भी दोस्ती नहीं है, कोई भी मित्रता नहीं है, हमें कोई भी लगाव नहीं है, पाकिस्तान झूठ बोल रहा है, हमारे और भारत के बीच में संबंध तोड़वाने का कोशिश कर रहा है, भारत सरकार प्लीज़ पाकिस्तान की बातों में ना आए। और दोस्तों इसी एक बयान से पाकिस्तान में हरकम मच गया है। अब यहाँ पे तालिबान ने साफ कर दिया है कि अब तो केवल हम अपने देश में ही खुश रहेंगे। दोस्तों अब जानते हैं तालिबान आज से 20 साल पहले कुछ और था, 1996 वाला तालिबान कुछ और था, अभी का तालिबान कुछ और है। 1996 वाला तालिबान पूरी तरह से दोस्तों लोगों को मारना काटना जानता था, केवल दुनिया से कटा हुआ था। लेकिन अब की बार जो तालिबान आया है ना, उनका कहना है कि अब हम राज भी करेंगे और दुनिया में अपना विदेश नीति रखेंगे, दुनिया पे पॉलिटिकल छाप छोड़ेंगे, दुनिया से संबंध रखेंगे, व्यापार करेंगे, तालिबान के साथ साथ अफगानिस्तान को आगे बढ़ाएंगे, हमें किसी से मतलब नहीं, केवल अपने देश से मतलब है। दोस्तों तालिबान वालों को समझ में आ चुका है कि अगर दुनिया पे खासतौर पे अपना एक छवि छोड़ना है, दुनिया में इमेज बनाना है और तालिबान को एक अच्छा ग्रुप बनाना है तो भारत का सहयोग जरूरी है। दोस्तों बिना भारत के समर्थन से कोई आगे नहीं बढ़ सकता, खासतौर पर एशिया में दोस्तों जब चाइना तिब्बत पर हमला किया था उसके बाद तो चीन दोस्तों कहानी ख़त्म हो गया था, लेकिन फिर भी भारत ने चीन को मान्यता दिया था, वन चाइना का, उसके बाद दुनिया मान्यता दिया था। अगर उस समय भारत मान्यता नहीं देता तो कोई भी उसे मान्यता नहीं देता। दोस्तों भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इसीलिए तालिबान चाहता है कि भारत उसे मान्यता दे दे, और जैसे ही भारत मान्यता दे देगा ऑटोमेटिक दुनिया के कई सारे देश तालिबान को मान्यता दे देगा और भविष्य में तालिबान एक शांति समझौता करके दुनिया में अपना एक अस्तित्व रखेगा और अफगानिस्तान पर राज करेगा और धीरे धीरे पाकिस्तानियों को ठोकना शुरू करेगा। दोस्तों तालिबान इसीलिए भारत का समर्थन कर रहा है और धीरे धीरे पाकिस्तान से दूर जा रहा है, और जो पाकिस्तान गड्ढा खुना था भारत के लिए उसी गड्ढे में पाकिस्तान आज गिर चुका है, खुद ही तड़प रहा है, खुद ही आज फंस चुका है, क्योंकि तालिबान अफगान में समझौता होने वाला है, दोनों एक हो जाएगा तो पाकिस्तान में क्या होगा, यही बात सोच के इमरान खान सदमे में चला गया है।